हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन अपकमिंग एपीएससी एग्जाम के लिए। यहां आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में लास्ट 6 मंथ्स के जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनका होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और इस वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। आज के एमसीक्यू क्वेश्चन को सबसे पहले देख लेते हैं। What is the amount of monetary grant given under Bharat Ratna Award? आपके ऑप्शन है A 1 lakh rupees, ऑप्शन B 51,000 rupees, ऑप्शन C 11 lakh rupees या ऑप्शन D none। तो आज के वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो है भारत रत्न अवार्ड एंड CAA को लेकर। तो चलिए पहले CAA की न्यूज को देख लेते हैं। CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का इम्प्लीमेंटेशन भारत देश में 11 मार्च 2024 से ही हो चुका है। पिछले दिनों ही जब यूनियन मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि CAA जल्द ही देश में लागू होने जा रहा है और इसे अब कोई रोक नहीं सकता है, तो इस स्टेटमेंट के बाद से ही पॉलिटिकल मीन्स चर्न होना स्टार्ट हो चुकी थी। जब 2019 में CAA को लाया गया तो पार्लियामेंट में जब इसे टेबल किया गया और इसको जो पास भी किया गया तो जमकर इसका विरोध हुआ था देश के कुछ पार्ट्स में, स्पेशली आसाम, वेस्ट बंगाल ऐसे स्टेट्स में, जहां पर अक्रॉस द बॉर्डर मतलब क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन जिसको कहते हैं एंड रेफ्यूजीज का वगैरह आना जाना यहां पर काफी दिखता है। वही दिल्ली के शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुए थे उनको कौन भूल सकता है, लेकिन बाद में COVID-19 पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लग गया और ये सब प्रोटेस्ट एक तरह से ठंडे हो चुके थे। पर चलिए अब जब देश भर में CAA लागू हो गया है और वो भी लोकसभा इलेक्शन के इतना नजदीक, इसके क्या परिणाम होंगे वो जान लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है, स्पेशली जब कुछ स्टेट्स ने फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल और केरला जैसे स्टेट्स के जो सीएम है उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि वो CAA को इम्प्लीमेंट हरगिज नहीं करने वाले। तो इस परिस्थिति में क्या इसका एक इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा, इसको देखना एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो देखिए एक बार क्विकली देखते हैं कि CAA होता क्या है। CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक अमेंडमेंट है जिसके अंडर तीन कंट्रीज नेमली बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए माइनॉरिटीज जिनमें जैन्स, हिंदूस, बुद्धिस्ट, सिख्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस ये आते हैं, इनको इस एक्ट के अंडर इंडियन सिटीजनशिप देने का प्रोविजन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर एक कट ऑफ डेट भी डाला गया है जो कि है 31st of December 2014। मतलब इस डेट तक के जो लोग इंडिया में एंटर कर चुके हैं, जो कि रेफ्यूजीज बनके इंडिया में रह रहे हैं, उनको यहाँ पर सिटीजनशिप देने का प्रोविजन इस एक्ट के थ्रू मिला है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि इन्हीं तीन कंट्रीज से और इन्हीं 6 कम्युनिटीज को क्यों एंड व्हाई नॉट मुस्लिम्स। इसके पीछे तर्क ऐसा दिया जाता है कि ये जो कंट्रीज है, एक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो कि बनी ही रिलीजन के नाम पर है और जहां पर रिलीजन के बेसिस पर माइनॉरिटीज का कंटिन्यूअसली पर्सिक्यूशन हुआ है, एज पर आर ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी 1947 में जहां पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन के 23% थी, वहां पर 2011 में ये नंबर घटकर सिर्फ और सिर्फ 3.7% का रह गया है। और ऐसे में इन कम्युनिटीज को इंडिया जैसी एक फंक्शनल, सेक्युलर एंड ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री अगर रेफ्यूज नहीं देगी तो कौन देगा। और इसलिए इन परिस्थितियों में इंडिया में इन्होंने जो रेफ्यूज लिया है तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट अपना इसको एक मॉरल राइट समझकर इन कम्युनिटीज को स्पेशली CAA के थ्रू सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रही है। और इसके बाद जो कम्युनिटीज बच जाती है उनको नॉर्मली मतलब जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके थ्रू इंडियन सिटीजनशिप को अप्लाई करने का तरीका ये हमेशा से खुला ही रहने वाला है। तो ऐसा है ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट। अब आते हैं आज के सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो है भारत रत्न से रिलेटेड। जी हाँ, भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसे हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो प्रदान करते हैं डिग्निटरीज को जिनका नाम सिलेक्ट हुआ होता है भारत रत्न के लिस्ट में। रिसेंटली 2024 में आज तक के सबसे ज्यादा भारत रत्न अवार्ड एक साल में अनाउंस किए गए हैं और वो है टोटल 5 डिग्निटरीज को। जी हाँ, 5। नॉर्मली एक साल में 3 से ज्यादा पर्सनैलिटीज या इंस्टीट्यूशंस को भारत रत्न नहीं दिया जाता, लेकिन इस साल ये लिमिट्स को तोड़ा गया है और नेमली बीजेपी के सीनियर मोस्ट एंड वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स जिन्होंने अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में भी एक लीडिंग रोल निभाया था उनको भारत रत्न दिया गया है, जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी। साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर जी जो कि बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं और बिहार के जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए इनका काफी लंबा स्ट्रगल और काफी बड़ा योगदान रहा है और इसीलिए इनको जननायक भी कहा जाता है। उनके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह जी जो यूपी के सीएम रहकर बाद में हमारे देश के पीएम भी रहे हैं और इनकी एक किसान नेता के रूप में आज भी एक काफी लिविंग इमेज वहां पर आपको देखने को मिलती है। वहीं उनके बाद आते हैं हमारे फॉर्मर पीएम पीवी नरसिम्हा राव जी, जिनकी गवर्नमेंट ने 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म को लाकर आज देश की जो इकोनॉमी बहुत पिछड़े इकोनॉमीज में मानी जाती थी उसको टॉप 5 में लाने के लिए एक रास्ता एक तरीके से फैसिलिटेट किया है।
और लास्ट है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। 1962 एंड 1965 के वॉर्स के बाद जहां इंडिया को भारी मात्रा में फूड सिक्योरिटी का एक स्कैर्सिटी को फेस करना पड़ रहा था, तो उस समय में हमको मतलब गेहूं जैसी बेसिक सी चीज को भी इंपोर्ट करना पड़ रहा था। उस समय में देश में हाई एल्ड वैरायटी के सीड्स, इरिगेशन टेक्निक्स और मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स वगैरह जिनको लाकर उन्होंने इंडिया को एक फूड डेफिसिट कंट्री से वर्ल्ड मैप पर एक इंपॉर्टेंट फूड एक्सपोर्टर कंट्री तक के लाकर रखने का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा, और इसलिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अगर भारत रत्न अवार्ड की बात की जाए तो भारत रत्न अवार्ड, इसके लिए कोई स्पेसिफिक कमिटी का वगैरह कंस्टिट्यूशन करना जरूरी नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही भारत रत्न अवार्ड किन पर्सनालिटीज या इंस्टीट्यूशंस को देना है उसके लिए रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को देते हैं, और उसके बाद में वो अवार्ड्स प्रेसिडेंट उनको प्रेजेंट करते हैं। भारत रत्न अवार्ड में कोई मॉनेटरी अवार्ड नहीं दिया जाता, ये एक बहुत नोटेबल चीज है यहाँ पर, बल्कि एक सनद या सर्टिफिकेट जिसे कह सकते हैं वो प्रदान की जाती है, और साथ में एक पीपल के लीफ के शेप का मेडेलियन उसमें शामिल होता है। तो ऐसा है ये पूरा का पूरा इशू, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है ये दोनों टॉपिक्स। एंड ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए हमारे अगले वीडियोस में आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और अब आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, नन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत रत्न अवार्ड में कोई मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन, मॉनेटरी अवार्ड शामिल नहीं होता है।